बच्चों आज हम लोग रोल प्ले करेंगे प्यासी मैना का, ठीक है? एक प्यासी मैना थी, वो नीम के पेड़ पे रहती थी। वो रोज बगीचे में दाना चुगती थी और वहीं पे लगे हुए नल पे पानी पीती थी। एक दिन दाना चुगने के बाद मैना को प्यास लगी तो वो नल के पास उड़ते उड़ते पहुंची, मगर नल में पानी उसको नहीं मिला। नल सूख चुका था क्योंकि बहुत ही गर्मी थी, जिसके कारण मैना बहुत उदास हो गई। फिर उड़ते उड़ते मैना एक पेड़ के पास जा बैठी जिसपे तोता था। तोता और मैना ने तोता से पूछा, तोता पानी कहाँ मिलेगा? तो तोता ने बताया, चलो हम लोग चल के जामुन के पेड़ के पास चलते हैं, जहाँ पे एक घड़ा है वहाँ पे पानी मिल जाएगा। चलो हम लोग जामुन के पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पे एक घड़ा रखा हुआ है वहाँ पानी पीते हैं। दोनों लोग उड़ के घड़े के पास पहुँची, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने घड़े में देखा, घड़ा गर्मी के कारण सूख गया था और पानी उनको नहीं मिला। तब उन लोग दोनों ने उड़ते उड़ते पेड़ पे जाके बैठ के देखा, वहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ था। तो कबूतर से उन्होंने पूछा, मैना और तोता ने, कि भैया हमें प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तो कबूतर बोलता है कि एक मकान पे एक धोबी कपड़ा धोता रहता है रोज, और उसी के ज़मीन पे दरार रहती है, वहीं पे कुछ पानी रहता है। चलो आओ हम सब उड़ के जाते हैं, देखते हैं पानी मिलता है कि नहीं। तो तीनों लोग उड़ते उड़ते जहाँ धोबी कपड़ा धोता रहता है वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन गर्मी के कारण वहाँ पे भी पानी सूख जाता है और तीनों लोग निराश हो जाते हैं कि यहाँ पे भी हमें पानी नहीं मिला। तीनों को बहुत ज़ोर से प्यास लगी रहती है। तीनों लोग उड़ते उड़ते एक पीपल के पेड़ के पास जाके बैठते हैं, जहाँ ढेर सारी गोरैया पानी पी खूब खुशी से चुचुहाती रहती हैं और खाना वाना खाती रहती हैं। तो तीनों लोग, तोता, मैना और कबूतर, गोरैया के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग इतनी खुश क्यों हो? तो गोरैया बताती है कि हम लोग अभी नहा कर आए हैं। तो तीनों लोग आश्चर्य हो जाते हैं, नहाकर? तीनों कबूतर, मैना और तोता क्या हो जाते हैं? आश्चर्य हो जाते हैं, अरे नहा कर आए हो, कहाँ इतना पानी मिला तुम लोगों को? तो गोरैया बोलती है, आओ चलो मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पानी है। तीनों लोग के संग गोरैया लोग भी उड़ते उड़ते गगन में उड़ते उड़ते एक बगीचे के में जा पहुंची, जहाँ पे एक कुंडे में लड़की पानी भरती रहती है, जहाँ पे गोरैया लोग आके वहाँ पे पानी पीती है। इस तरह तीनों लोग, कबूतर, मैना और तोता, गोरैया के संग कुंडे में अपनी प्यास बुझाते हैं और सभी की प्यास बुझ जाती है। तो बच्चों कहानी कैसे लगी? अच्छा। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, क्लैप करिए अपने लिए आप लोग।